हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्नैक्स अनबॉक्सिंग में स्वागत है। तो आज हम कॉम्प्लेन और बॉर्नविटा की कंपैरिजन करने वाले हैं। जी हाँ, इनका कंपैरिजन करेंगे हम वेट में। देखेंगे इन दोनों 10 रुपये के पैकेट्स में कौन ज़्यादा देता है हमें क्वांटिटी। तो देख लीजिए, ये 10 रुपये का पैकेट रखा हुआ है कॉम्प्लेन का और ये 5 रुपये का है। तो हमने अब 2 पैकेट ले लिए हैं बॉर्नविटा के, ताकि ये 10 रुपये का हो जाए और ये तो 10 रुपये का है ही। तो देख लीजिए, पहले हम कॉम्प्लेन को दिखाते हैं आपको। कॉम्प्लेन ये भी काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक है। इसका वेट 18 ग्राम है, 10 रुपये का है ये कॉम्प्लेन। चॉकलेट फ्लेवर में है। और ये बॉर्नविटा देख लीजिए आप, पाँच रुपये का है ये, 2 10 रुपये के हो गए। और इसका वेट आपको बता देता हूँ, 14.4 ग्राम है। जी हाँ, जहाँ ये 18 ग्राम का एक पैकेट है, वहीं ये एक 5 रुपये वाला पैकेट 14.4 ग्राम का है। तो आप 2 पैकेट लेते हैं तो ये हो जाता है 29 ग्राम का। तो चलिए हम खोल के भी देख लेते हैं। तो ये ट्रे हमने ली, इसमें हम दोनों को डालते हैं खोल के। एक बार हम तो इसका फ्लेवर, जी हाँ देख लीजिए, चॉकलेट का फ्लेवर जैसे इसको खोला हमने आया। जी हाँ, चॉकलेट फ्लेवर स्मेल आ रही है चॉकलेट की। तो ये हमने डाल दिया ट्रे में, देख लीजिए, ऐसा लग रहा है किसी ने चॉकलेट पीस के रख दी है। अब हम इस बॉर्नविटा को खोलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये एक पैकेट हम 5 रुपये का डाल लेते हैं, दिया हमने। अब हम दूसरा पैकेट भी 5 रुपये वाला खोल के ट्रे में डाल देते हैं। तो देख लीजिए, इसमें भी स्मेल जैसी खोला चॉकलेट की, स्मेल इसमें भी आ रही है। तो ये ट्रे में हमने कॉम्प्लेन और बॉर्नविटा को दोनों को डाल दिया है। जहाँ ये कॉम्प्लेन हल्का ब्राउन दिख रहा है, वहीं ये बॉर्नविटा काफ़ी डार्क ब्राउन दिख रहा है। तो देख लीजिए, दोनों के कलर को ट्रे में डाला हुआ है। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा इनमें से बढ़िया है। तो दोनों को मैंने टेस्ट कर लिया है। ये कॉम्प्लेन मैंने टेस्ट करा तो मुझे लग रहा है कि ये स्किम्ड मिल्क होता है, तो उसका फ्लेवर आ रहा है इसमें, और चॉकलेट का ऐसा लग रहा है दूध है इसमें। और जहाँ ये बॉर्नविटा को मैंने टेस्ट किया तो इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है और डार्क चॉकलेट का, थोड़ी कड़वाहट इसमें, मीठा नहीं है, हल्का कड़वाहट भी है इसमें बॉर्नविटा में। तो मुझे पर्सनली बॉर्नविटा का फ्लेवर इसमें अच्छा लगा है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।